एक और फिनिश निकाला है, लेकिन अभी के लिए हाइड्रा मौली का प्रहार, ओरांगुटान का स्क्वाड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ स्पॉट किया, डेस्ट्रो को डाउन करेंगे, फिनिश कर देंगे तुरंत। एक ओपी द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, शोगन वहां पे तैनात है, प्रोन है शोगन। बहुत बार हमने इस खिलाड़ी को क्लच करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड स्प्रेस दिए जा रहे हैं एक ओपी द्वारा इस लास्ट में कि एक और फिनिश आ जाए। बट ये देखिए, एक साथ ये खिलाड़ी ओरांगुटान का सामने गॉड्रेन को वाइप करने के बाद तुरंत हाइड्रा पे टारगेट करता हुआ। तीन खिलाड़ी यहाँ, तीन खिलाड़ी वहां, कौन जीतेगा ये बैटल सेंस से? देखिए अब हो चुकी है प्रॉपर 4v4 3v3 फाइट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओजी पे एक थोड़ा अपर एडवांटेज है, क्योंकि उन पे जोन उनके काफी नजदीक है। हार्ड रैकेट दो प्लेयर्स अभी हमें जोन के बाहर देखने को मिल रहे हैं। फाइट थोड़ा ट्राई बाय ट्राई करें। देखिए पहले कवर बनाना प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जोन पूरा ओपन में है। पूरा का पूरा विजन भी ब्लॉक कर दिया गया है, हर तरफ धुआं ही धुआं, हर तरफ स्मोक ही स्मोक करके विजन ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। बट क्या हाइड्रा के सभी खिलाड़ियों की पोजीशन का अंदाजा है? ग्रेनेड तो थ्रो किए जा रहे हैं, हल्का फुल्का मुझे लगता है आइडिया तो होगा, बट ऐसा प्रिसाइज लोकेशन तो इस समय पे नहीं पता चलेगी। विजगॉड को डाउन कर दिया गया, बचे दोनों खिलाड़ियों को पिन कर दिया गया एक छोटे से कवर के पीछे। ओरांगुटान के प्लेयर्स को अभी के लिए रिवाइवल को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अपने को रिपोजिशन भी करना पड़ेगा। रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड भी रिस्क के दूसरी तरफ होगा। अगर समहाउ विजगॉड का रिवाइवल हो जाता है और वो हील कर लेते हैं अपने आप को, तो हाइड्रा के ऊपर दोबारा से दबाव बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे रिवाइवल तो हो चुका है, लेकिन अब एके ओपी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खेलना पड़ेगा। आगे की तरफ हाइड्रा की तरफ से जो ग्रेनेड्स का प्रहार हो रहा है उनको रोकना पड़ेगा। विजगॉड दोबारा से डाउन होते हुए, लो एचपी पे थे, हील कर रहे थे अपने आप को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हील कंप्लीट हो नहीं पाया। और एक और ग्रेनेड आएगा, एके ओपी द सेवियर यहां नजर आ रहे हैं, आखिरी खिलाड़ी ही गेट्स शट डाउन एज वेल एंड टीम हाइड्रा। देखिए आपको यहां पर वो बिखरते भी दिख रहे काफी बेहतरीन तरीके से। एमजी के प्लस के पास जहां मौका था अपने नंबर्स एडवांटेज को इस्तेमाल करने का, वो एक 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 खिलाड़ी करके जो एंट्री ली वो अपने आप में एक रिस्की चीज बनती दिखेगी। और टीम एनिग्मा के इन्फिनिटी वो जॉनथन को भी करेंगे डाउन, जली के द्वारा इन्फिनिटी के ऊपर एक ट्रेड आता हुआ दिखा है। समापन टीम एनिग्मा का भी हो रहा है, मगर टीम एक्सपर्ट हाथ पे डीबी है। चलिए एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को शॉट देने की कोशिश, लेकिन सामने की तरफ फाइनल कॉल मिल जाता, उनको फ्रैग कंफर्म हो जाते, लेकिन लाइक सिर्फ आखिरी खिलाड़ी जली बचे हुए आईजीएल। जेली सर्कल के अंदर निकलना चाहेंगे, लेकिन सर्कल के अंदर हमें ऊपर गुजरात टाइगर्स का स्क्वाड नजर आ रहा है। गॉड एक बड़ा झटका उनके रूप में मिलता नजर आएगा, और गॉड रेनी वो टीम रहेगी, आगे जरूर बढ़ रहे थे। डीबीएस एसक्यूएल के कौन जीतेगा इस बैटल को, फिलहाल यही देखने योग्य होगा। अब देखिए कोशिश तो की जाएगी यहाँ से कि अपने हाथ उस विक्ट्री को बनाए, जहाँ डेमिगॉड टीम के ऊपर वो स्पेस देने की कोशिश रहेगी टीम दमदार की। और यहाँ पर एक व्हीकल है टीम गॉड्स अभी के लिए हाइड्रा की कंफर्मेशन निकालेंगे, लेकिन कुछ जो खिलाड़ी हैं कुछ गॉड्स ट्रेन के वो अब खत्म होते नजर आएंगे। फ्रैक्स पे फ्रैक, तीन में से मेरे ख्याल से दो फ्रैक तो चले यहाँ पर स्टिल किए गए, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर वन स्पॉट हथियाना इतना आसान होने वाला। बट टीम तमिलास कुछ देर पहले हम आए थे उनके पर्सपेक्टिव से एक भी फ्रैक नहीं था, अब यहां से काउंट बढ़ रहे हैं एक एक करके, एक से दो, तीन से चार, पांच भी हो चुके हैं, और एक एक करके हर किसी को धाराशाह किया जा रहा है। बट क्या शोगुन के बारे में अंदाजा है? ये मुझे लग रहा है कि नहीं पता होगा। ये ग्रेनेड जाएगा, स्प्लैश डैमेज देगा और हाइड्रा को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले। बट एक खिलाड़ी अगर जिम्मेदारी इस ले इस चीज की तो बेहतर रहेगा, बट टॉप में बैठी जी यहाँ तीन तमिलास, मेरे ख्याल से एक दो खिलाड़ी को बस रिस्क लेना चाहिए, यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए। और गॉड्स रन के शोगुन वो भी ऐसी हेल्पलेस पोजिशन में कि किंग को शायद रिवाइवल नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पे एक मौका मिलेगा कि रिवाइवल और शायद रिवाइवल नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पे एक मौका मिलेगा कि रिवाइवल और वो रीसेट हो पाए। बट टीम तमिलास जिस गति से आपको आगे बढ़ते दिख रही है, हाइड्रा के वो खिलाड़ी आपको जो दिख रहे हैं उनकी कनेक्शन बहुत आसानी से आएगी, और टीम तमिलास वो एक चोटी जो पकड़ी हुआ पाया है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है सर्वाइवल है, पूरा को शॉट देंगे और चलिए चलिए चलिए। इससे पहले भी उन्होंने देखे थर्ड पार्टी की दस्तक जरूर दी थी, लेकिन दूर दरार उस पे हर बार नहीं, हर बार शायद ही कनेक्शन सही नहीं हो रहा होगा। बट यहाँ पे चलिए देखिए गॉड लाइक ऑन द अदर साइड पीछे से प्रहार गवा बैठी थी मेट बेट के पास, शायद वो देना पड़ेगा, वो सक्काम वो सरेंडर करना पड़ेगा। 36 बिरादरी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे, बट वो हुआ था व्हीकल प्लास्टिक गेम्स हो मेरे ख्याल से। हाँ जूसी वहाँ पर नॉकआउट जरूर हुए, कोई भी वहाँ पर जाने की अभी के लिए साहस भी नहीं दे रहा है। कोई अभी के लिए एक अगर रिस्क उठाएगा तो शायद अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा उनको, बट दिक्कत यह है कि अब वो सर्कल के बाहर है, अब प्ले जोन से आपको ना अब मल्टीपल वो नाम आ जाएंगे। लेकिन हाइड्रा बोल रही है प्ले जोन तो बाद में, पहले हमारे उस बुलेट से वो नॉकआउट करने की कोशिश हम करेंगे यहाँ से। टीम एक्स पार्क
सर्कल किसी का भी सगा नहीं है, सर्कल किसी का भी साथ अभी के लिए नहीं दे रहा। हाइड्रा से भी अभी सर्कल ने मुंह मोड़ लिया है, थोड़ा सा उनको भी ट्रैवल करके दिखाना पड़ेगा। बट ड्रीम ये ग्रेनेड आप कुक तो कर रहे हैं, लेकिन कब फेंकेंगे, कितना इंतजार आप करवाएंगे। बट ये नॉकआउट जो निकले हैं टीम एक्सपार्क के, ये कहीं उनको बैकफुट पे धकेल सकते हैं। पीछे से 8-bit का भी ऑर्डर है, लेकिन अभी 8-bit ना जूझ रही है, मैक अभी जूझ रहे हैं उस प्ले सर्कल से, प्ले जोन से, उनको आना है उस प्लेबल एरिया की तरफ। बट शेडो क्लोज रेंज पे लो टॉस ग्रेनेड फेंकेंगे तो काम चल सकता है, लेकिन जी नहीं, स्विच करा वापस से। लेकिन पहले वो ट्रिगर क्यों, वो डिसिप्लिन इतना क्यों दिखाया गया, और इतना सोच विचार विमर्श करने के बाद मैक बोलते हैं कि हाइड्रा आप अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो मैं ही खत्म कर देता हूं आपका वो एनिमी। जी हाँ, मतलब काफी सारे खिलाड़ी हुए यहाँ पे खत्म किया था मैक ने, 5 फिनिशेस उनके पास थे।